Okay, good evening, all of you. अभी मैं होस्ट बनाऊँ ना, इसलिए अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? सोया नहीं था मैं। ओके राहुल, चलिए। आपको यस अभी तक पीपीटी नहीं मिली है कल की, सॉरी, मैं क्लास के एंड में पूरा एक साथ पीपीटी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं उसी को, फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, सो सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है? एक बार जस्ट फॉर दी रिवीजन हम देख लेते हैं। यस, हम नोट्स साथ में ही आपके प्रिपेयर कर देंगे। सेट थ्योरी स्टार्ट की थी हमने, सिंपल डेफिनेशन सेट, डिफरेंट टाइप के जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो देखे, फिर रिप्रेजेंटेशन आपने सेट का देखा, तीन टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। दैट इज सिंपल डेफिनेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ सेट्स, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए वन बाय वन, एम्प्टी, नल, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, प्रॉपर, पावर, इक्वल, अनइक्वल, इक्विवेलेंट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है? नाउ आफ्टर दैट जो सारे सेट्स की टाइप्स हमने डिस्कस किए, ठीक है? इनफाइनाइट में हमने दो टाइप बोले, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट, उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेट के बाद सेट ऑपरेशन, ठीक है? कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आप, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सो ऑन। नाउ उसके बाद हमने देखा दैट इज द यूनियन, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है? वेन डायग्राम की हेल्प से हमने समझे सारे टाइप्स, अगर कॉमन है तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, और अगर डिसजॉइंट सेट है तो उस केस में वेन डायग्राम कैसे बनेगा, क्लियर है? फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हमने। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? कि वेन डायग्राम के फॉर्मेट में दिया या इक्वेशन फॉर्म में दिया तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट? नाउ चलिए वन मोर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? द फर्स्ट ऑप्शन इज A minus B union C is equals to C minus B union A. Second one is A minus B intersect C, C minus B intersect A. A intersect A complement union C complement is equals to A minus C, and D is none of this, ठीक है? That question is MSQ, multi select question है आपका, ठीक है? More than one option may be correct. Please mute your mic. नहीं, क्या आंसर आएगा इसके लिए? अतुल आपका माइक म्यूट रखिए। That is MSQ question, so एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके यहाँ पे। ओके, सो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है दैट बी, ए बी, उसके लिए बी एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी। देखिए वेन डायग्राम से सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, दैट इज ओनली बेस्ट मेथड। ओके, सो मैं डिजाइन करता जाता हूं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए। दैट इज ए, बी एंड सी। फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? ए माइनस बी। सो ए माइनस बी यानी कि आप कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे? ए के सारी पार्ट जो बी में नहीं है, ठीक है, दैट इज दिस। सो ये ए आ गया आपका, ए माइनस बी। इसके साथ आपको यूनियन करना है किसका? सी का, ठीक है। सो इफ यू परफॉर्म द यूनियन ऑफ सी, यानी कि ये पार्ट तो रखना ही है आपको, प्लस सी का रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो सारा ऐड कर देंगे आप, यानी कंप्लीट सी यूज करना है आपको। सो दैट इज दिस। तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया आपने, दैट इज ए माइनस बी यूनियन सी। Got it? Now, लेफ्ट हैंड जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, दैट अगेन ए बी सी, सी माइनस बी, सी में से बी को सब्सट्रैक्ट किया, सो दैट इज दिस पार्ट, सी माइनस बी इज दिस। यूनियन ए, इसमें ए का यूनियन करना है, ये सी माइनस बी आ गया, ए का यूनियन यानी कि ये कंप्लीट पार्ट, दैट इज दिस। सो देखिए दोनों डायग्राम में अगर आप देखें, सो बोथ आर नॉट इक्वल, क्लियरली दिख रहा है आपको, बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे जो पार्ट इंक्लूड हो रहा है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। नॉट इट, इसमें सी का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, सो दैट आर नॉट इक्वल। सो ए तो करेक्ट नहीं है आपका, सो ए इज नॉट राइट आंसर। नाउ सेकेंड ऑप्शन बी के लिए देखते हैं, that three set ABC, A minus B, that area is A minus B। अब आपको क्या करना है? इंटरसेक्ट विद C, ठीक है, C के साथ इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन एरिया है वही यूज करेंगे आप। सो इंटरसेक्ट विद C करेंगे आप, तो यहाँ पर C वाला जितना पार्ट यूज हुआ है वो कॉमन है, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया आपका, दैट इज द सिलेक्टेड एरिया, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ए माइनस बी इंटरसेक्ट सी। गॉट इट? नाउ राइट हैंड पार्ट, सो दैट इज अगेन ए, बी एंड सी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, दैट इज दिस पार्ट। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है आपको, ठीक है, तो ए वाला पार्ट दिख रहा है हमें जो सिलेक्टेड एरिया इस रिजल्ट के साथ आ रहा है आपका, और ए और इसमें जो कॉमन एरिया दैट इज दिस ओनली, ठीक है। सो ये सी माइनस बी इंटरसेक्ट ए, सो दैट इज इक्वल, सो बी करेक्ट है आपका। अब MSQ बोला है हमने, सो हो सकता है सी भी क्या हो, करेक्ट हो। सो इन दैट केस सी के लिए चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ए एंड सी दो पर्टिकुलर सेट के लिए बात कर रहे हैं, दैट ए एंड सी, ठीक है। सो जस्ट ए और सी के लिए रन करेंगे हम, दैट इज ए एंड सी, ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप अगर देखें यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अगर सिलेक्ट करते हैं, सो व्हाट इज दी ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ के रिमेनिंग पूरा एरिया, दैट इज दिस, ठीक है। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, सी को छोड़ के बचा हुआ सारा एरिया, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ करना है, इस पर्टिकुलर रिजल्ट का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। सो जितना एरिया आपका ए के पार्ट में सिलेक्टेड दिख रहा है वही फाइनल आंसर बन जाएगा आपका, सो दैट इज दिस पार्ट, गॉट इट। ये एरिया आपका सिलेक्ट होगा यहाँ पर। हाँ, कल की पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगा, अभी जस्ट अभी सेंड करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी अभी तो क्लास ही चल रही है, मैं दोनों इस क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा, या आप बोले तो अभी करूं। क्लास के बाद कर दूं ना, ठीक है। अरे वो दिमाग से निकल गया मेरे, नहीं तो मैं आज ही कर देता उसको। चलिए ठीक है, सो दैट इज दिस, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। नाउ ए माइनस सी, सो डेफिनेटली ए माइनस सी इज दिस, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, जो एरिया आपका यहाँ पे रिजल्ट में आया दैट इज ए माइनस सी, ठीक है। ए में से सी को माइनस करेंगे, सो दैट इज दिस, सो दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, सी इज दी ऑल्सो राइट आंसर, गॉट इट। सो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर आप MSQ क्वेश्चन है तो इस टाइप से डेफिनेटली आपके बनेंगे, गॉट इट। Now, one more questions, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Let A be a set with an element, A is a set with n elements, and let C be a collection of distinct subset of A, C be a collection of distinct subsets of A, such that for any two subsets S1 and S2 in C, either S1 is proper subset of S2 or S2 is proper subset of S1, then what is the maximum cardinality of C, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज n, सेकेंड वन इज n+1, थर्ड इज 2 raised to n minus 1 plus 1, and d is n factorial। सो मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या बनेगी उस पर्टिकुलर सेट की, ठीक है। सी की कार्डिनलिटी पूछी है मैंने। नाउ व्हाट इज सी, सी क्या है आपका, सी इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स को आपने सी में पुट किया है, और कंडीशन क्या है कि कोई भी दो सबसेट अगर आप उठाते हैं तो पहला सबसेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, या फिर सेकेंड वाला पहले का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। सो दोनों में से एक कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई होगी तो वो सबसेट्स आप उस सेट में इंक्लूड करेंगे. सो दैट इज द क्वेश्चन. कुछ स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट हैं. ये क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है सबको? ये एक बार और एक्सप्लेन करूं. एक सेट है आपका जिसमें n एलिमेंट है, ठीक है, और C क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स. अब हमें पता है कि टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, ये तो क्लियर है, बट टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 to n. लेकिन सारे सबसेट इंक्लूड नहीं करने. कंडीशन क्या है आपकी कि आप वही सबसेट्स रखेंगे कि कोई भी दो सबसेट रेंडमली अगर आप सेट से उठाते हैं, उस C सेट से अगर आप कोई दो सबसेट उठाते हैं, तो वो दोनों में से एक सबसेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट करना चाहिए. यानी कि सबसेट में भी आपको रिलेशन डिजाइन करना है. यस, ओके. सो मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर आ गया है यहाँ पर. चलिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेट है, मान लीजिए एक सेट ले लिया A दैट कंटेन n एलिमेंट A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है. ये n एलिमेंट्स एक सेट में आपके पास, A सेट में n एलिमेंट है, ठीक है. नाउ अब आपको बोला है कि C इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A. तो A के सबसेट्स कितने सबसेट पॉसिबल है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट n एलिमेंट है, तो 2 to n सबसेट पॉसिबल है. लेकिन अगर मैं सारे सबसेट इस सेट में रख देता हूं, तो क्या उस केस में आप कोई भी दो रैंडम सबसेट उठाएंगे तो वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होंगे? लाइक देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक सबसेट A1 और एक सबसेट लिख दिया A2. अब A1 और A2 दोनों सबसेट इस पर्टिकुलर सेट A के हैं, लेकिन क्या A1 और A2 में कोई रिलेशन है? यानी कि दिस सबसेट और इस सबसेट में कोई रिलेशन ही नहीं, आप इसको इसका प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो, नहीं इसको इसका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट उसके सुपर सेट में भी होने चाहिए, ठीक है, और सुपर सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होने चाहिए, ये रिलेशन होता है प्रॉपर सबसेट का। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर A1 A2 दोनों सबसेट अपने इंक्लूड किए तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सो आप इस तरीके से सारे सबसेट तो नहीं ले सकते, तो क्या लॉजिक यूज करें हम यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक सबसेट लाइक फर्स्ट वन विल कंसिडर, हमने यहाँ पे एक सबसेट लिया दैट इज A1, ठीक है, लाइक दिस। नाउ अब हमें ये रिलेशन बनाना है S1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 या फिर S2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S1, यानी जो दूसरा सबसेट होगा वो इसका या तो सुपरसेट होना चाहिए या फिर वो इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब डेफिनेटली इसमें एक एलिमेंट ले लिया तो इसका सुपरसेट आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे A1 A2। तो देखिए A1 और सेकेंड है A1 A2, तो अगर मैं इसको बोलता हूं दैट इज S1 एंड दैट इज S2, सो S1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S2, ये कंडीशन आपकी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। गॉट इट। सो इन दोनों में रिलेशन बन रहा है। अब थर्ड पेयर लेंगे आप, तो थर्ड पेयर में इस तरीके से एलिमेंट लिखना है कि वो थर्ड सेट आपका इन दोनों के साथ सेम रिलेशन डिजाइन करे। सो देखिए, अगर सेम रिलेशन बनाना है तो A1 अगर S2 के साथ बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, A1 A2 तो आना ही चाहिए, साथ में एक नया एलिमेंट ले लिया दैट इज A3, इसको आपने बोल दिया S3। तो देखिए रिलेशन क्या है, S1 सबसेट S2 दैट इज करेक्ट, S2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S3 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड S1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S3 दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि तीनों सेट में आपस में रिलेशन बन रहा है। सो इस टाइप से आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करते जाने इस सेट में, यानी सबसेट्स इंक्लूड करने। सो क्लियरली दिख रहा है आपको, पहला A1 है, फिर A1 A2 है, फिर A1 A2 A3 है, तो यानी नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपको 4 एलिमेंट लेने हैं जिसमें A1 A2 A3 प्रीवियस तीनों सेट के सारे एलिमेंट प्लस 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट, लाइक दिस। सो इस तरीके से आप सेट इंक्लूड करेंगे तो एट द एंड आप कंप्लीट A सेट जो है उसको यूज कर सकते हैं, दैट A2 A3 अप टू AN। क्लियर है। सो देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसको S4 बोल दिया, इसको बोल दिया SN, तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए, N सबसेट्स, ठीक है। और एक सबसेट होता है आपका दैट इज एम्प्टी सेट 5, सो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A एंड 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ऑल दिस सेट्स, सो इसको आपने बोल दिया S0। सो S0 से SN टोटल कार्डिनलिटी कितनी हो गई, N+1। कार्डिनलिटी का मतलब हमने कल देखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो C की कार्डिनलिटी कितनी है, C में कितने एलिमेंट है, N+1 एलिमेंट्स है। सो B इज द राइट आंसर। गॉट इट। सो B इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क। सो देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है ये। ओके चलिए। सो जिनका रॉन्ग आंसर आ रहा था उनको क्लियर हो गया ये। ओके सो विल मूव ऑन। अब देखिए सेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो सेट थ्योरी से आगे जितना भी हम पढ़ने वाले हैं दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द सेट, यानी कि अगर आपको सेट का नॉलेज है तो ही आप हम क्या बोल सकते हैं कि आगे का पार्ट आपको क्लियर होगा पूरा। क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक है सेट थ्योरी, मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा इसको, इतना बेसिक तो होगा, बट क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन या तो आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे, इक्वेशन को प्रूफ करने वाले, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द सेकंड वन इज दी, ये हमने सेट थ्योरी का ये क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है, लॉस सारे पढ़ लिए थे हमने। नाउ वी स्टार्ट रिलेशन। सो देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म बिटवीन द सेट्स, यानी कि रिलेशन को भी आप एक टाइप का ऑपरेशन बोल सकते हैं जो किस पे परफॉर्म करना है हमें, सेट के ऊपर, ठीक है। सो जनरली रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन द नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो रिलेशन पढ़ते हैं दैट रिलेशन इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी वर्ड का मतलब होता है कि ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है आपको टू सेट के ऊपर, यानी दो सेट को क्या करना है, आपको रिलेट करना है। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या हुआ, टू सेट्स। तो आपको रिलेशन या बाइनरी रिलेशन, ठीक है, जनरली हम दो सेट के ऊपर ही रिलेशन डिजाइन करते हैं। गॉट इट। सो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विच कैन बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर आर ए कॉमा बी। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल सा एक वर्ड बोले कि दो सेट है आपके पास ए एंड बी, ठीक है, ए और बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, सो रिलेशन अगर आपको डिजाइन करना है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है, दैट रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, या फिर ए टू बी, यू कैन ऑल्सो राइट, यानी कि ए सेट को बी सेट से क्या करना है, आपको रिलेट करना है। तो हमने एक टाइप का ऑपरेशन बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो एग्जैक्टली रिलेशन में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करना है। गॉट इट। बट रिलेशन कब बोलेंगे उसे, तो देखिए मान लीजिए आपने एक सेट लिखा दैट इज ए, इसमें आपने एलिमेंट लिखा 1 2 3 एंड द सेकंड सेट बी दैट कंटेन 3 एलिमेंट ए बी सी। सो सबसे पहले तो आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो हमने बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट की साइज कितनी होती है, अगर ए में n एलिमेंट है, बी में m है, तो n into m कितने होंगे आपके, दैट इज n क्रॉस m। सो इस केस में अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 a, 1 a से 1 b से और 1 c से रिलेट होगा, 1 b 1 c, फिर 2 को रिलेट किया आपने, दैट इज 2 a 2 b 2 c, एंड फिर 3 का रिलेशन बनाया 3 a 3 b एंड 3 c। गॉट इट। सो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इस ए क्रॉस बी में, 9 एलिमेंट, ठीक है, सो देयर आर 9 एलिमेंट इन दिस सेट। सो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिलेशन इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, यानी सॉरी द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा आपका रिलेशन आर। यानी कि मैंने आर में अगर बोला आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसमें मैंने एक पेयर रिलेशन आर में एक पेयर लिख दिया लाइक 1 a, so it is a relation, that is correct। या फिर आपने एक relation एक बनाया relation that contain 1 a 2 b, दो pair ले लिया आपने इस set के a cross b के, so it is also a relation, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने एक relation r लिखा that is the 1 a 1 b 3 c, that is also a relation। तो कोई भी देखिए ये सारे क्या कहला रहे हैं आपके, लाइक इसको आपने R1 बोल दिया, इसको R2 एंड R3, तो R1 R2 R3 ऑल आर सबसेट्स ऑफ दिस A क्रॉस B, ठीक है। सो हमने क्या बोला, रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। गॉट इट। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये स्मॉल a और b क्या है आपके, दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B। यानी कि अगर मान लीजिए आपने बोला है कि A इज रिलेटेड टू B और रिलेशन R है आपका A टू B, आपने लिखा A is related to B, यानी कि A एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को और B एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, यानी स्मॉल a एंड b आर दी एलिमेंट्स। तो जैसे आपने बोला 1 और a, ठीक है, सो ये 1 a लिख सकते हैं आपने, जैसे जो पेयर लिखा दैट, देखिए ये 1 a लिख सकते हैं आप, या फिर 1 रिलेटेड टू a इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वही आपने पार्ट लिखा दैट इज 1 a बिलोंग्स टू r, ठीक है, या फिर आपने जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिख रखा है दैट इज आर 1 a। तो वहां पे a और b का मतलब क्या है, a पहले सेट का एलिमेंट और b दूसरे सेट का एलिमेंट। गॉट इट। सो दैट इज द सिंपल रिलेशन। रिलेशन का मतलब यह होगा आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, बाइनरी रिलेशन और ऑन अ सिंगल सेट a इज डिफाइंड इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। अब देखिए हम बाइनरी रिलेशन क्या बोल रहे हैं, दो सेट के ऊपर। अब बाइनरी रिलेशन आपको एक ही सेट पे बनाना है, यानी कि उसी सेट को दो बार यूज करना है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यूज तो दो ही बार करेंगे हम, बट अगर आपको बोला है कि डिजाइन अ रिलेशन ऑन अ सेम सेट, यानी कि सिंगल सेट पे अगर बनाना है तो आप ए क्रॉस ए कर देंगे, और डिस्टिंक्ट सेट के लिए आप क्या बोलेंगे, द कार्डिनलिटी, अगर ए और बी की एम और एन है देन मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज एम एन। क्योंकि देखिए आपने बोला कि ए क्रॉस बी में यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 एलिमेंट, ठीक है। सो अगर मैं सारे 9 एलिमेंट रिलेशन में पुट कर देता हूं, सो दैट इज लार्जेस्ट रिलेशन, यानी उस रिलेशन की साइज लार्जेस्ट होगी, क्योंकि इस रिलेशन की साइज कितनी है, 1 है, इसकी साइज कितनी है 2 है और यहाँ पे R3 की साइज कितनी है 3 है, बिकॉज दिस ऑल आर सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने टोटल आइडेंटिटी कितनी होगी M क्रॉस M, गॉट इट, ठीक है। सो लार्जेस्ट साइज हम क्या बोलेंगे दैट इज M क्रॉस N, अगर दोनों सेट अलग अलग है आपके, क्लियर है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पॉइंट हम जो ये लिखा हुआ है कि अगर सेम सेट के ऊपर आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, इफ ए डिजाइन ऑन सेम सेट, यानी कि मैंने बनाया रिलेशन R ऑन A टू A, ठीक है, एंड साइज ऑफ A कितनी है आपकी N, यानी कि साइज ऑफ A कितनी N है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे A क्रॉस A, सो दैट इज, सो कार्डिनलिटी लार्जेस्ट रिलेशन की कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ लार्जेस्ट रिलेशन दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जिसकी लार्जेस्ट रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी है एन स्क्वायर है, क्लियर है। नाउ अब ये जो सेट आपका आया है ए क्रॉस ए, ठीक है, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ द स्क्रीन इज विजिबल, जी सर, यस सर, ओके। सो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपने बाइनरी रिलेशन डिजाइन किया है सेम सेट के ऊपर, सो ए क्रॉस ए एन स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए इज एन स्क्वायर। सो अगर मैंने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन, how many number of relation can be designed on set A, ठीक है, on set A that contain an element, तो कितने relation बनेंगे, टोटल कितने relation हम design कर सकते हैं यहाँ पर, how many relation, yes, अगर सेट A contain an element then how many relation that we can design on set A। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप से वर्ड लिखा होता है कि how many relation on set A, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि A क्रॉस A का कार्टिशन, मतलब A टू A को रिलेट कर रहे हैं आप, A को ऐसे रिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज दो सेट का नेम लिखा होगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। सो हाउ मेनी रिलेशन दैट कैन बी डिजाइन ऑन सेट A दैट कंटेन एन एलिमेंट, सो कितने रिलेशन बनेंगे, टोटल पॉसिबल कितने रिलेशन बना सकते हैं। देखिए एक रिलेशन हमने यहाँ पे बोला सारे एलिमेंट पुट कर दिया तो एन स्क्वायर, ये कार्डिनलिटी हो गई उसकी, ठीक है। तो हमने बोला टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट है इस सेट में, और इसमें से जितने पॉसिबल सबसेट्स आप बनाएंगे वो सारे सबसेट क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो एन स्क्वायर अगर कार्डिनलिटी है किसी सेट की तो टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 की पावर एन स्क्वायर, यस, सो दैट इज 2 एन स्क्वायर, so that is total possible number of relation, got it। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे बोल दिया कि सेट A equals to 1 2 3, ठीक है, एंड R is on A, यानी रिलेशन R is on A, then number of relation, so number of relation कितने बनेंगे, so that is equals to 2 n square formula यूज कर रहे हैं। एन कितना है 3 है, 2 3 स्क्वायर, 2 9, 2 9 इज 512, got it। सो 512 रिलेशंस यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं इस सेट पे, क्योंकि पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए कितना आएगा 9 आएगा, और 9 के सबसेट्स कितने बनेंगे 2 9, यानी कि 512। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज दिस, गॉट इट। नाउ अगर आपको लिखा है एफ ए इज इक्वल टू, सर एक मिनट बैक करना, हाँ, दैट इज दिस, डन सर, हो गया, ओके। देखिए एक सेट लिखा ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। सो हाउ मेनी मैक्सिमम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, बताइए कितने बनेंगे? हाउ मेनी मैक्सिमम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? Two की पावर 12, करेक्ट। 2 raised to 12। A क्रॉस B निकालेंगे सबसे पहले आप। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू 4 into 3, दैट इज 12। तो A क्रॉस B में 12 एलिमेंट होंगे और इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? दैट इज 2 raised to 12, दैट इज इक्वल टू 4096। गॉट इट? सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 4096। सो सेम सेट होगा, अगर मान लीजिए एक ही सेट दिया होता तो 2 raised to 4 स्क्वायर हो जाता, यानी कि 16 हो जाता। अगर ए का सेट लिया या बी का सेट लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो बाइनरी रिलेशन में आप अगर सेम, अब देखिए हमें जो भी गेट में क्वेश्चंस आते हैं या जो भी आपको आगे पढ़ने वाला है, दैट ओनली ऑन द सिंगल सेट, ठीक है। दो सेट वाले ऑपरेशंस, मतलब आपको क्वेश्चंस आ सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हुए हैं दैट इज ऑन द सिंगल सेट ओनली, क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन डिजाइन होते हैं वो सेम सेट के ऊपर ही हम बनाते हैं। गॉट इट? सो दैट इज ऑल अबाउट दी सिंपल रिलेशन क्या होता है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होगी रिलेशन की, ठीक है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज दी, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो लार्जेस्ट आपने रिलेशन क्या लिखा? लार्जेस्ट रिलेशन दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। कार्डिनलिटी क्या है लार्जेस्ट रिलेशन की? दैट इज एन स्क्वायर। या फिर आप यहाँ पे क्या बोले, द सेट, इफ सेट ए है तो लार्जेस्ट रिलेशन इज ए क्रॉस ए, ये लार्जेस्ट रिलेशन बनेगा। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन? यस, सो डेफिनेटली दैट इज एम्प्टी, क्योंकि सबसेट की बात कर रहे हैं। फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दैट ए क्रॉस ए, यानी कि 0, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट रिलेशन की कार्डिनलिटी 0 है, लार्जेस्ट रिलेशन की कार्डिनलिटी एन स्क्वायर है। गॉट इट? नाउ types of relation, so देखिए there are various type of relation, the empty relation, full relation, reflexive, irreflexive, symmetric, antisymmetric, और भी types होते हैं, equivalence, partial order, ठीक है, वो सब भी देखेंगे हम। but यानी कि अगर ये सारी property clear है तो आगे के जो types होते हैं वो इनके combination से generate होते हैं, ठीक है। so first हमें ये सारे relations clear होने चाहिए। so empty, full, reflexive, irreflexive, symmetric, antisymmetric, asymmetric and transitive, ठीक है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। द फर्स्ट वन इज एम्प्टी रिलेशन। सो देखिए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी इफ द सेट ए इज एम्प्टी सेट। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए किसी एम्प्टी सेट के ऊपर ही अगर आप रिलेशन डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा आपका? एम्प्टी रिलेशन। अगर मैंने बोला आर इज अ रिलेशन ऑन ए, यानी ए टू ए डिजाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, एंड ए इज एम्प्टी सेट। ये क्या है आपका? दैट इज फाई, ठीक है। सो व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए इज आल्सो फाई, फाई, ठीक है। द रिलेशन इज आल्सो एम्प्टी। तो सिंपल सा एम्प्टी सेट, यानी कि वही वर्ड अभी हमने जो बोला स्मॉलेस्ट के लिए, सो उस केस में आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर दो डिफरेंट सेट होते हैं आपके, मान लीजिए ए टू बी लिखा है, ठीक है, और आपको बोला है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 5। ए क्या है आपका? दैट इज 1 2 3, 3 एलिमेंट, और बी क्या है आपका? 5 है। सो इन दैट केस ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आएगा आपका? अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है? जस्ट मल्टीप्लीकेशन। एक की साइज 3 है और दूसरे की 0 है, तो 3 into 0 क्या होना है? डेफिनेटली 0। तो ए क्रॉस बी इस केस में भी क्या आ रहा है? 0, यानी कि 5। सो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 है, सो रिलेशन इज आल्सो एम्प्टी। गॉट इट? तो 1 के संग 1 का 5 के संग पेयर नहीं बनेगा। क्या वन का फाइव के संग पेयर नहीं बनेगा नल के संग, टू का फाइव नहीं 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 फाइव है यहाँ पे। फाइव का मतलब ये है, ये अंदर तो कुछ नहीं है ना, फाइव तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। सेट इज दिस, इधर 1 2 3 है और इधर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करें? अगर ऐसा लिखा होता तो फाइव एलिमेंट बन जाता। फाइव इज नॉट अ एलिमेंट, फाइव जस्ट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? जी सर। नाउ द सेकंड वन इज फुल रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड फुल। फुल मतलब वही हो गया आपका एम्प्टी, और फुल का मतलब वही हो गया मैक्सिमम एंड स्मॉलेस्ट। ए में अगर आपके n एलिमेंट है लाइक a1 a2 अप टू an, तो a क्रॉस a की कार्डिनलिटी कितनी होगी? दैट इज n स्क्वायर। सो फुल रिलेशन आपका क्या होगा? दैट कंप्लीटली रिलेशन कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। ठीक है, a क्रॉस a के सारे एलिमेंट आपने रिलेशन में पुट कर दिए, तो दैट इज दी फुल रिलेशन। ठीक है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ r इज n स्क्वायर। सो ये वही पॉइंट्स हो गए जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किए, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। गॉट इट? नाउ द मेन रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से आपका थोड़ा लॉजिकल पार्ट कवर होता है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे? रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होल्ड्स फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स इफ सेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी देन आर इज इक्वल्स टू ए ए बी बी इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिजाइन करना है तो दैट रिलेशन मस्ट बी ऑन द सेम सेट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि इंक्लूड ऑल सेल्फ पेयर। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। सारे सेल्फ पेयर आपको क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक है, सो ऑल सेल्फ पेयर अगर आप इंक्लूड करते हैं, सो इन दैट केस इंक्लूड ऑल सेल्फ पेयर। ठीक है, सो सेल्फ पेयर के करस्पॉन्डिंग कोई भी सेट है आपका लाइक ए इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, तो हमें पता है कि ए क्रॉस ए क्या बनेगा आपका? दैट इज 1 1 2 2 3 3। गॉट इट? 1 1 2 2 and 3 3। ये तो आपने तीन पेयर डायरेक्ट लिख दिए 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1 1 से 2 से 3 से। ठीक है, फिर आपने बोल दिया 1 2 1 3 2 3। ठीक है, 2 1 and 3 1 3 2। दैट इज 9 पेयर। सो ये ए क्रॉस ए में आ गए। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इस पर्टिकुलर हम क्या बोल रहे हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। Now that relation is reflexive if it include all self pair. So self pair मतलब दोनों एलिमेंट सेम। 1 1 2 2 3 3 is the self pair. ये क्या है आपके? सेल्फ पेयर है। हमने क्या बोला? इंक्लूड ऑल सेल्फ पेयर। सो 1 1 भी इंक्लूड करना है आपको, 2 2 भी इंक्लूड करना है और 3 3 भी इंक्लूड करना है। तो ये तो एक रिलेशन हो गया आपका। अगर आपने सिर्फ ये तीन पेयर इंक्लूड किए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा आपका। दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मान लीजिए आपने इन तीन के अलावा कोई पेयर इंक्लूड किया, सो अगेन दैट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहा है? सारे सेल्फ पेयर होने चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने इन तीनों पेयर के अलावा कोई भी पेयर, एक्स्ट्रा पेयर जो उस ए क्रॉस ए रिजल्ट में आ रहा है, उसको अगर आपने इंक्लूड किया, इफ यू राइट 1 2 दैट इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट अगर आप रिलेशन लिखते हैं लाइक दिस, ओनली 1 1 and 2 2, सिर्फ इतना लिखा आपने, then it is not reflexive. Got it? Because यहाँ पे 3 3 missing है। इस सेट के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम, इसी के लिए बोल रहे हैं। That is R1, R2, R3, तीन अलग अलग रिलेशन लिखे आपने। So R1, R2 is reflexive, but R3 जो है that is not reflexive relation because it does not include all self pair. यहाँ पे सारे self pair नहीं। That's why it is this. ठीक है, अब देखिए reflexive तो आपको clear हो गया। ठीक है, that is the meaning. अब अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सो एक रिलेशन है आर, दैट रिलेशन आर कंटेन, ठीक है, दैट रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए एंड सेट ए में आपने ले लिया एलिमेंट दैट इज A1, A2, A3 अप टू AN, n एलिमेंट है, ठीक है। सो मैक्सिमम कार्डिनलिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या होगी और स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कार्डिनलिटी क्या होगी बताइए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कार्डिनलिटी क्या होगी? क्या आना चाहिए? यस, ओके, ठीक है, सही है। सो तो देखिए एम्प्टी रिलेशन, लार्जेस्ट रिलेशन की अगर हम बात करें, सो हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस ए। सबसे पहले तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। सो व्हाट इज द ए क्रॉस ए? दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि एन स्क्वायर में पेयर कौन कौन से हैं आपके, दैट इज a1 a1 a2 a2, ठीक है, एंड an, ये सारे सेल्फ पेयर तो हैं आपके। इसके अलावा a1 a2 एंड सो ऑन, जो भी रिमेनिंग पेयर्स है आपके, टोटल एन स्क्वायर पेयर्स होंगे। सो रिफ्लेक्सिव बनाना है रिलेशन को, तो हमने बोला कि ये एन पेयर तो आपको इंक्लूड करना ही है, मस्ट, इट मस्ट बी इंक्लूडेड। आप कोई भी रिलेशन बनाएं, अगर उसे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो a1 a2 अप टू an तो इंक्लूड करना ही है आपको, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है ना। अब इसके बाद आप अगर इतना डिजाइन करते हैं जस्ट, सो दैट इज स्मॉलेस्ट, इतने मिनिमम पेयर, ठीक है। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू n, ठीक है। सो ये आपका कौन सा बना? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और लार्जेस्ट के लिए क्या बोल देंगे कि इन सारे सेल्फ पेयर के साथ आपने रिमेनिंग सब पेयर इंक्लूड कर लिए, ठीक है, ये तो ऐड किए ही आपने, रिमेनिंग ऑल पेयर इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। सो ऑल n स्क्वायर एलिमेंट्स, दैट इज द लार्जेस्ट, गॉट इट, ठीक है। सो दैट इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस। नाउ सो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक रिलेशन R आपने डिजाइन किया ऑन सेट A, ठीक है, सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो बना दिए हमने, टोटल रिफ्लेक्सिव कितने बना सकते हैं आप? जैसे हमने टोटल रिलेशन का फॉर्मूला लिखा 2n स्क्वायर, ठीक है, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, दैट इज दी 2n स्क्वायर लिखा था हमने, ठीक है। ये अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, total point is how many total number of reflexive relation, how many total number of reflexive relation, on set A. Set A contain an element like A1, A2 up to AN, ठीक है। By default हम cardinality n ही ले रहे हैं अभी। सो सेट की कार्डिनलिटी है एन, सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या लॉजिक लगेगा यहां पर? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने हमें, तो देखिए ए क्रॉस ए पहले फाइंड करेंगे आप, तो एन स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे उसमें, यस। अब हमें पता है कि यहां से एन स्क्वायर एलिमेंट में से एन सेल्फ पेयर तो फिक्स हो गए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर डिजाइन करना है आपको, सो आपने बोला दैट इज a1 a1 a2 a2 अप टू an तो लेना फिक्स है आपका, ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सो ये तो फिक्स हो गए। अब n स्क्वायर में से n एलिमेंट तो आपने फिक्स कर दिए, तो रिमेनिंग कितने एलिमेंट बचे? दैट इज दिस एलिमेंट फिक्स, सो रिमेनिंग एलिमेंट इज n स्क्वायर माइनस n। सो जो एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट है उनके लिए दो चॉइस है, या तो वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। गॉट इट? क्योंकि हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो सबसेट में हम क्या बोलते हैं, किसी भी पेयर को उस सबसेट में या तो इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। सो एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट के लिए आपके जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे आपके रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एन तो फिक्स कर दिया आपने। अब रिमेनिंग एन स्क्वायर माइनस एन के टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल सबसेट्स या टोटल रिलेशन विद दिस एन स्क्वायर माइनस एन इज 2 n² - n। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास एलिमेंट्स कितने बचे, सिर्फ एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट बचे, क्योंकि एन तो फिक्स है, हर रिलेशन में आएंगे। तो उन रिमेनिंग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 2 n² - n। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन total number of reflexive relation. Got it? 2 n² - n, that is the correct formula. ठीक है, सो मान लीजिए आपको एक एग्जांपल, क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? ब्रेक हो रही सर बीच में, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट है ना, एक हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। चलिए, सो टोटल रिलेशन हमने यहाँ पे बोला फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज दैट इज दिस। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई भी एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप, लाइक एक सेट ले लिया ए दैट कंटेन 3 एलिमेंट 1, 2, 3। ठीक है, देन हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ऑन सेट ए। So what is the answer? बताइए क्या आंसर आएगा। जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको एन की प्लेस पे। यस, दैट इज 64, दैट इज करेक्ट। ठीक है, जस्ट आपको एन की प्लेस पे वैल्यू पुट करना है। 2 n², 3² - 3, 3² is 9, 9 - 3 is 6, 2 6, that is 64. So 64 reflexive relation you can design on that. Got it? Okay. Now, नहीं 128 नहीं, 64 is the right answer. n² - n. Now the second type fourth type of the relation is irreflexive relation. So देखिए irreflexive relation क्या होता है आपका? So relation R on set A is called irreflexive if no A comma A belongs to R holds for every element A belongs to A. Means if set A is equals to A comma B, then R is equals to this is irreflexive relation. देखिए what is the meaning of that? Irreflexive is just opposite of the reflexive relation. यानी कि आपके जितने भी reflexive relation है उसका opposite होगा irreflexive. Reflexive में हम क्या बोल रहे हैं कि सारे self pair include होने चाहिए. Irreflexive ये बोलता है कि the self pair must not include in the relation. Clear है? So again अगर आपने एक set ले लिया that A that contain 1, 2, 3, ठीक है, and relation R on A. So इस केस में अगर आपने एक relation again A cross A design करेंगे आप तो 9 element का pair बनेगा आपका. ठीक है, अगर मैंने एक रिलेशन लिखा दैट इज R1 equals to 1, 2, ठीक है, एंड 1, 3, ठीक है, दो पेयर लिए हमने. सो यहाँ पे आपका कोई भी सेल्फ पेयर नहीं दिख रहा है. टोटल यहाँ पे 3 × 3 9 एलिमेंट आएंगे. 9 में से ये 2 एलिमेंट लिखे तो दैट इज इररिफ्लेक्सिव. देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, ये सेट बनेगा आपका. R2 की अगर हम बात करें, लाइक मैंने लिखा दैट इज 1, 1, 1, 2 and 1, 3. So it is irreflexive or not? क्या ये irreflexive होगा आपका? No sir. No sir. Yes. So it is not because the 1, 1 is present. So it is not irreflexive. ठीक है. If we write the relation like R3 that contain 1, 1 and 2, 2, it is irreflexive or not? So definitely ये तो नहीं है क्योंकि दोनों सेल्फ पेयर ही ले लिया आपने. क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? No sir. No sir. रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा. क्लियर है? बिकॉज 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट. दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट इररिफ्लेक्सिव बिकॉज 1, 1 and 2, 2 इज प्रेजेंट. गॉट इट? सो एक रिलेशन अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव जस्ट अपोजिट है, बट अपोजिट पॉजिटिव कंडीशन में, नेगेटिव में दोनों ट्रू हो सकते हैं. यानी कि अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो इररिफ्लेक्सिव हो. ठीक है, बिकॉज दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ऑल्सो नॉट इररिफ्लेक्सिव. क्लियर है? बट इस रिलेशन की अगर आपने यहाँ पे बात की सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, and irreflexive. ठीक है, reflexive भी नहीं है, irreflexive भी नहीं है. बट अगर आपका कोई रिलेशन आपने प्रूफ कर दिया कि that is reflexive, तो 100% वो irreflexive नहीं होगा. So reverse condition किसके लिए? पॉजिटिव के लिए. बट अगर आपने एक पॉइंट आपको कहीं स्टेटमेंट आता है कि the relation is not irreflexive, then it is reflexive. So this statement is false. Got it? ठीक है, तो उसके लिए आप ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि एक रिलेशन ऐसा पॉसिबल है जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा आपका और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा. सो दैट बोथ कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो सकती है. क्लियर? नाउ अगेन आपको अगर पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव. क्या साइज आएगी लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव के लिए और स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव के लिए? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. यस, तो देखिए एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्सिव का लॉजिक है वो यूज होगा यहाँ पे. रिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है कि n सेल्फ पेयर इंक्लूड करना है और इररिफ्लेक्सिव क्या बोल रहा है कि डज नॉट इंक्लूड दैट पेयर. ठीक है, सो इन दैट केस आप यहाँ पर लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव की अगर बात कर रहे हैं सो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके? मान लीजिए आपने एक सेट लिया दैट इज A, A कंटेन n एलिमेंट्स. ठीक है, और उस n एलिमेंट पे हम डिजाइन कर रहे हैं. सो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट. सो लार्जेस्ट की साइज होगी n स्क्वायर टोटल एलिमेंट है, उसमें सेल्फ पेयर को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग एलिमेंट सारे पुट कर दिया आपने. तो दैट इज लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका, दैट इज 5। ठीक है, क्योंकि आपका एक भी सेल्फ पेयर इंक्लूड नहीं करना है तो बचे हुए भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे आप। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हमने लार्जेस्ट बोला एन स्क्वायर और स्मॉलेस्ट एन बोला है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 हो सकता है। तो एन स्क्वायर माइनस एन एंड 5, दैट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव। क्लियर है? नाउ टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव? यस, सो अगेन इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या है आपका कि f n क्रॉस n सेट बनाया आपने n स्क्वायर, तो हम बोल रहे हैं n स्क्वायर में से n एलिमेंट तो लेना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो रिमेनिंग एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट के जितने भी कॉम्बिनेशन है आपके, तो दैट इज 2 माइनस एन। यानी कि रिफ्लेक्सिव की बात करें या इररिफ्लेक्सिव की, टोटल रिलेशन सेम बनेंगे आपके। क्लियर? क्योंकि वहां पर एन सेल्फ पेयर को फिक्स कर दिया था आपने और बचे हुए के कॉम्बिनेशन से आप टोटल नंबर काउंट कर रहे थे। यहाँ पे एन सेल्फ पेयर को रिमूव कर दिया और बचे हुए के टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे, तो रिमेनिंग एलिमेंट एन स्क्वायर माइनस एन है आपके, उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 माइनस एन। सो दैट इज दी 2 माइनस एन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा आपका। Got it? Now the next one is symmetric relation. अब देखिए symmetric relation क्या होता है आपका? A relation R on set A is called symmetric if B, A belongs to R, when A, B belongs to R. Means a relation R 4, 5, 5, 4, 6, 5, 5, 6 on set A is symmetric. यानी कि सिंपल सा symmetric की definition क्या बोलेंगे हम? ठीक है, रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, दैट रिलेशन में इस टाइप से लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी देन बी शुड रिलेट टू ए। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए आपका। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और आर हमने डिफाइन किया है ए टू ए। ठीक है, सो इफ ए रिलेट टू बी देन बी शुड रिलेट टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो जितने भी ए और बी है उनके लिए, सबके लिए सेम कंडीशन आपको यूज करना है। सो इफ यू यूज द रिलेशन ए 1, 2, 3, ठीक है, एक रिलेशन आपने डिजाइन किया आर, तो 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3 सेट क्या है आपका? दैट इज 1, 2, 3 से 1, 2, 3। अब ए क्रॉस ए यानी कि 9 पेयर में से जो भी पेयर आप सिमेट्रिक पेयर लेते हैं, लाइक आपने लिखा 1, 2, 1 को 2 से रिलेट किया, तो डेफिनेटली आपको 2, 1 भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 1, 2 है तो 2, 1 भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए आपका। गॉट इट? सो दैट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा आपका। नाउ अगर मैंने लिखा आर इक्वल्स टू रिलेशन दैट इज 1, 1, इट इज सिमेट्रिक और नॉट? ये सिमेट्रिक होगा या नहीं? यस सर, यस। Yes. So, देखिए R 1, 1 is symmetric. तो देखिए हम बोल रहे symmetric के लिए 2 पेयर लगते हैं आपके, यानी A B है तो उसका रिवर्स क्या है? B है, लेकिन सेल्फ पेयर के लिए exactly एक ही पेयर लगेगा। So, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि every self pair is by default symmetric. यानी सेल्फ पेयर की जब बात करेंगे आप तो इंडिविजुअल सेल्फ पेयर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, सो आप पॉइंट क्या बोलेंगे कि every self pair is symmetric. Every self pair is symmetric. ठीक है, so 1, 1 लिखा, 2, 2 लिखा, तो that all are such type of relation is self pair. ठीक है, 2 एक साथ लिख देंगे आप, then it is also self pair. अब अगर आप मान लीजिए मैंने लिखा r equals to 1, 1 and 1, 2, it is symmetric or not? So 1, 1 and 1, 2 is symmetric or not? No, sir. Yes, it is not symmetric. No, yes, because 2, 1 is not present there. 1, 1 है, 1, 2 है, but 2, 1 नहीं है. That's why it is not symmetric. ये symmetric नहीं होगा आपका. Clear है? So that is about the symmetric relation. मतलब डायरेक्टली रिलेशन लिखा है तो हम देख के बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं जिस भी सेट पे. ठीक है. नाउ अगेन सेम क्वेश्चन कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. एक रिलेशन ए क्रॉस ए पे डिजाइन किया आपने, दैट इज 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3 मान लीजिए आपने ले लिया. ठीक है. या आप नॉर्मल यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो सेट ए कंटेन एन एलिमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू एन. सो लार्जेस्ट symmetric relation and a smallest symmetric relation. So what is the largest and smallest? A smallest symmetric relation क्या होगा? So देखिए largest के लिए अगेन हम क्या बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए. तो हमें पता है कि ए क्रॉस ए का जो रिजल्ट है दैट कंटेन एन स्क्वायर एलिमेंट, उस एन स्क्वायर में सारे सिमेट्रिक पेयर इंक्लूड है. बिकॉज अगर आपने ए क्रॉस ए लिखा है तो 1 को 2 से रिलेट किया है तो 2 भी 1 से रिलेट होगा डेफिनेटली. तो जो एन स्क्वायर का सेट है इसमें सारे सिमेट्रिक पेयर इंक्लूड है तो लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर. कार्डिनलिटी कितनी होगी? एन स्क्वायर. ठीक है. एंड व्हाट इज द सेट? तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1, 2, 1, 3, 2, 1. ठीक है. 1, 3, 3, 1 इस तरीके से सारे पेयर आपके इंक्लूड हो जाएंगे. दैट एन स्क्वायर एलिमेंट्स. सो ये हो गया लार्जेस्ट. सो ए क्रॉस ए का जो भी रिजल्ट है वो पूरा ही आपने कंसिडर कर लिया रिलेशन में. दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. वो सेटिस्फाई करेगा आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को. नाउ स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट relation is क्या होगा? तो देखिए स्मॉलेस्ट कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, कि अगर ए बी प्रेजेंट है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए चेक करना है आपको. इफ दिस देन दिस. अब मान लीजिए इफ ए फॉल्स हो गया आपका तो देन की रिक्वायरमेंट है क्या? No, sir. Definitely. So, आपने अगर कोई पेयर ही नहीं लिखा है तो उसका रिवर्स भी नहीं चाहिए हमको. मान लीजिए अगर मैंने ये सेट लिखा है कि यहाँ पे कोई 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, that means 5 है. So, उस केस में आप क्या बोलेंगे? That is symmetric. Clear है? Because 1, 1, 1, 2 नहीं है तो 2, 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है. So, empty relation is also symmetric. Empty relation is also symmetric. So, that is the smallest. ठीक है. सो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड किया हमने. नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन. अब टोटल सिमेट्रिक कितने बनेंगे? सो टोटल सिमेट्रिक का फॉर्मूला कैसे डिजाइन करेंगे हम? हाउ मेनी टोटल सिमेट्रिक रिलेशन. सो देखिए मान लीजिए आपने एक सेट लिखा ए दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3. ठीक है. या आप यहां पे बोल रहे हैं कि दैट इज दी एन एलिमेंट सेट. ठीक है. 1, 2, 3 अप टू एन. तो एक्चुअली रिलेशन क्या है आपका? ए क्रॉस ए क्या है? दैट इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनती है आपकी 1, 2, 3, 4 अप टू एन. इधर भी आपने लिख दिया 1, 2, 3, 4 अप टू एन. सो ये जो एंट्री है दैट इज 1, 1. ये होगी आपकी 1, 2 दैट इज 1, 3, 1, 4 अप टू 1n. फिर ये होगा आपका 2, 1, 2, 2, 2n 3, 1. ठीक है. 3, 2, 3, 3 अप टू 3n. एंड वैसे ही लास्ट n के लिए इक्वेशन रन हो जाएगी n1 n2 अप टू nn. गॉट इट. ये आपकी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल सिमेट्रिक कितने बनेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक का लॉजिक क्या है कि अगर ए बी को इंक्लूड किया आपने तो बी ए तो बाय डिफॉल्ट आना ही है, यानी सिर्फ ए बी के कॉम्बिनेशन देखने आपको, बी ए तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होगा, यानी जितने पेयर है उसके जस्ट हाफ के कॉम्बिनेशन देखने हमें। लेकिन एक लॉजिक और हमने देखा था कि जितने सेल्फ पेयर है वो सारे तो आपके इंडिविजुअली सिमेट्रिक है, यानी कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 अप टू n n, दिस पेयर आर बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। यानी टोटल कितने पेयर है, n पेयर है, इन n सेल्फ पेयर के जितने सबसेट्स लिखेंगे ऑल आर सिमेट्रिक। यानी मैंने सिर्फ 1 1 लिखा तो भी सिमेट्रिक, सिर्फ 2 2 लिखा तो भी सिमेट्रिक, 3 3 लिखा तो भी सिमेट्रिक, या 1 1 2 2 1 1 1 3 सॉरी 1 1 3 3, इनमें से कोई भी आप सबसेट्स निकाले तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे डायगोनल से, दैट इज 2 रेज़ टू n। सो 2 रेज़ टू n सबसेट्स यहां से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो डायगोनल से टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन रहे हैं, 2 रेज़ टू n। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, बाय डायगोनल टोटल रिलेशन कितने हैं, दैट इज 2 रेज़ टू n। गॉट इट। सो 2 रेज़ टू n बाय डायगोनल। अब नॉन डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, नॉन डायगोनल कितने पेयर हैं, अब देखिए टोटल n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n स्क्वायर एलिमेंट्स है, उसमें से n डायगोनल के कॉम्बिनेशन तो आपने बना दिए, रिमेनिंग कितने बचे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n। हाँ, n स्क्वायर माइनस n इज दी नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब क्या इन सारे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन देखने हमें, नहीं, बिकॉज 1 2 अगर आपने इंक्लूड किया तो 2 1 तो बाय डिफॉल्ट लेना ही है आपको, 1 3 अगर आपने लिखा तो 3 1 आपको लेना पड़ेगा, 1 4 अगर आपने लिखा है तो 4 1 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यानी कि n स्क्वायर माइनस n में से टोटल सिमेट्रिक पेयर कितने हैं, क्योंकि देखिए डायगोनल का हर एक पेयर सिमेट्रिक पेयर था, बट यहां पे आप क्या बोलेंगे कि टोटल सिमेट्रिक पेयर कितने होंगे, दैट इज सिमेट्रिक पेयर आउट ऑफ दिस सिमेट्रिक पेयर कितने होंगे आपके, दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। इतने सिमेट्रिक पेयर होंगे वहां पर। ठीक है, टोटल n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसमें से सिमेट्रिक पेयर कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 सिमेट्रिक पेयर है। अब इन सिमेट्रिक पेयर यानी कि देखिए अगर मान लीजिए आपने बोला 1 1 1 2 2 1, इसको एक सिंगल एलिमेंट मान लिया मैंने। ठीक है, 1 2 2 1 एक सिंगल एलिमेंट हो गया, 1 3 3 1 दैट इज सिंगल एलिमेंट। या तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होगा रिलेशन में या पूरा प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे कितने एली पेयर्स हैं, दैट इज दिस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। सो इनके कितने सबसेट्स बना सकते हैं। अब देखिए या तो 1 1 1 2 2 1 पूरा इंक्लूड करे या पूरा इंक्लूड नहीं करे, यानी हर एक के लिए दो चॉइस है, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। सो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, दैट इज 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ठीक है, 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2 टोटल सिमेट्रिक रिलेशन बाय नॉन डायगोनल, टोटल सिमेट्रिक बाय नॉन डायगोनल। ये नॉन डायगोनल के कॉम्बिनेशन है और ये आपके टोटल सिमेट्रिक बाय डायगोनल, टोटल सिमेट्रिक बाय डायगोनल। सो बाय डायगोनल आपने निकाला 2 रेज़ टू n एंड बाय नॉन डायगोनल आपने कैलकुलेट किए 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। सो हाउ मेनी टोटल रिलेशन। तो देखिए अगर मैं 1 2 2 1 के साथ 1 1 लिख देता हूं तो भी सिमेट्रिक है, और नहीं लिखता हूं तो भी सिमेट्रिक है, यानी इसके हर एक पेयर के साथ इसके सारे कॉम्बिनेशन, यानी जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। सो टोटल सिमेट्रिक रिलेशन इज, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे आपके, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n इनटू 2 रेज़ टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। पावर है, ऐड कर देंगे दोनों को, तो 2 रेज़ टू n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। गॉट इट। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, यानी कि 2n माइनस n इज n, तो ये आएगा आपका फाइनली 2 रेज़ टू n प्लस n square by 2. So that is equivalent to, just मैथ्स है ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम उसको, n into n plus 1 by 2. So that is the total possible relation. That is the formula for total symmetric relation. Got it? So that is final formula. Total symmetric relation is this. I think it is clear. ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हाउ मेनी टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, बट किस तरीके से डिजाइन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए आता है कि n की वैल्यू दी हुई है कि the set contain 3 element, then how many total symmetric relation, so आप डायरेक्टली 2 raised to n to n plus 1 by 2 फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं ठीक है. सो फॉर्मूले आपको सारे याद रखना है, बट मान लो इनकेस कभी आप फॉर्मूला भूल जाते तो भी आप उसे डिजाइन कर सकते हैं कि हाउ टू डिजाइन दैट फॉर्मूला, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ है. सो द लॉजिक टू क्रिएट दैट फॉर्मूला इज दिस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 raised to n into n plus 1 by 2. Got it? Now, so that is symmetric. Now antisymmetric. अब देखिए antisymmetric relation का मतलब क्या होता है? Relation on set A is called antisymmetric if AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equals to B is called antisymmetric relation. देखिए what is the meaning of that definition? यानी कि आपने कोई भी relation किसी set पर design किया है, ठीक है? तो अगर if A comma B is belongs to R and B comma A is also belongs to R, then A is equals to B. ठीक है, that is the condition. कि अगर A B R को belong कर रहा है और B A R को belong कर रहा है तो A और B का equal होना compulsory. अगर इस type की condition है then it is a antisymmetric. यानी कि अगर मैं इस set पे एक relation बनाता हूँ R that contain 1, 2 and 2, 1. So it is antisymmetric or not? No sir. Correct. क्योंकि इसको आपने A बोल दिया फर्स्ट वाले को, that is A and that is B. इसको B बोल दिया and that is A. Clear है? So AB and BA both are present. AB belongs to R. Yes, condition true. And BA belongs to R. This condition is also true. If both condition is true, then A should equals to B. But A is not equals to B. 1 is not equals to 2. 1 and 2 are two different element. So it is not antisymmetric. ये antisymmetric नहीं होगा आपका. Got it? Now, if we like R equals to 1, 1, it is antisymmetric or not? Yes, antisymmetric. Yes, sir. Because 1, 1 present, so its reverse is also 1, 1. अब A की पेयर को दो बार तो लिखेंगे नहीं हम, ए बी है तो बी ए भी यही होगा आपका, तो ए बी प्रेजेंट है एंड बी ए बोथ आर प्रेजेंट, देन ए इज इक्वल्स टू बी, सो कंडीशन इज ट्रू, सो इट इज एंटीसिमेट्रिक. ठीक है, ये एंटीसिमेट्रिक होगा आपका. नाउ इफ वी राइट ओनली 1, 2, इफ यू राइट ओनली 1, 2, इट इज एंटीसिमेट्रिक और नॉट? क्या है anyone? yes sir. okay, so देखिए again condition पे जाना है आपको. if 1, 2 present, yes, a, b belongs to r, तो a, b यानी 1 और 2 belongs to r, yes, and b, a belongs to r, no, a b present है but b a नहीं है, तो अगर if की condition ही false हो गई तो then पे जाना ही नहीं है. so a b belongs to r and b a belongs to r, then a equals to b, but yahan par only a b is belongs to r and b a is not belongs to r, that means we does not required to check this condition, so that is by default antisymmetric. तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या बोला था कि every self pair is a symmetric, हर self pair क्या होता है symmetric, and it is also antisymmetric, क्योंकि आप अगर सिर्फ single pair लिखेंगे self pair तो वो आपका by default क्या करेगा, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. सो सिर्फ सेल्फ पेयर से जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे क्या होंगे आपके एंटीसिमेट्रिक, और every single pair other than self pair हो या कोई भी pair हो, that is also antisymmetric. यानी सिर्फ 1 2 लिखा तो antisymmetric, मैंने सिर्फ relation में 2 1 लिख दिया then it is also antisymmetric. If we write the relation like 1 3 then it is also antisymmetric. Got it? यानी point क्या बोलेंगे हम कि every single pair is by default antisymmetric, चाहे वो self हो या different हो. ठीक है, so every single pair is by default antisymmetric. Got it? So by default आपका antisymmetric होगा every single pair. Clear? Now अब again वही task है, how many maximum and largest and smallest cardinality and total number of antisymmetric कितने बनेंगे. तो बताइए largest, size of largest antisymmetric. अब n एलिमेंट के सेट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो हम बार बार सेट नहीं लिखेंगे, जस्ट n एलिमेंट का सेट है आपका, उसके ऊपर रिलेशन बना रहे हैं. सो लार्जेस्ट एंटीसिमेट्रिक क्या बनेगा आपका, साइज. देखिए अगर आपको दो चीजें पूछ सकते हैं कि साइज यानी कार्डिनलिटी, या फिर आपसे रिलेशन ही पूछ लिया कि डिजाइन द रिलेशन, तो क्या आपका एग्जैक्टली एक रिलेशन होगा क्या. लार्जेस्ट एंटीसिमेट्रिक में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं आप. लाइक मान लीजिए आपने सिर्फ 1 2 ले लिया, ठीक है, फिर 2 1 नहीं लिया, ठीक है, फिर 3 1 ले लिया आपने. सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन यूज करके आप लार्जेस्ट का जो सेट है वो डिजाइन अगर आपको करना है, सो दैट इज मोर देन 1. यानी कि साइज तो डेफिनेटली एक ही होगी, लेकिन एक से ज्यादा लार्जेस्ट आपके एंटीसिमेट्रिक बनेंगे. ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि लार्जेस्ट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट यूनिक. ठीक है, बट कार्डिनलिटी यूनिक होगी आपकी. देखिए कार्डिनलिटी यूनिक कैसे होगी आपकी, अब कैसे फाइंड करेंगे हम लार्जेस्ट की कार्डिनलिटी. अगेन देखिए वही लॉजिक है आपका. अगर मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n, ठीक है, n क्रॉस n का पेयर आपने अगर बनाया, सो इन दैट केस आपके पेयर क्या है, दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 n, 2 1 2 2 2 3 2 n. ठीक है, सो दैट इज n 1 n 2 अप टू n n. अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सिमेट्रिक पेयर अगर आपने इंक्लूड किया, लार्जेस्ट बनाना है आपको, सो सारे सेल्फ पेयर तो लिख दिया आपने उस रिलेशन में. ठीक है, यानी कि n सेल्फ पेयर इंक्लूड किया आपने, प्लस लार्जेस्ट सेट बना रहे हैं हम, तो सारे सेल्फ पेयर लिख दिए क्योंकि हर एक सेल्फ पेयर आपका एंटीसिमेट्रिक होता है. अब बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट में से आपको आधे एलिमेंट्स लेने, यानी 1 2 1 3 2 3. अगर ये अपर डायगोनल का पूरा पार्ट ले लेता हूं मैं, या लोअर डायगोनल का पूरा पार्ट ले लेता हूं, सो दोनों केस में आपका क्या होगा, दोनों में से एक पार्ट ले सकते हैं बिकॉज एंटीसिमेट्रिक है. अगर आपने 1 2 और 2 1 दोनों ले लिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने, n² - n/2, दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट. नॉन डायगोनल एलिमेंट के हाफ, ठीक है, सारे नहीं लिए हमने, हाफ ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट. क्लियर है. सो इसमें यूनिक क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए अगर मैं 1 2 और फिर 1 3 दो पेयर अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, 1 2 1 3, सो दैट इज एंटीसिमेट्रिक. ये करेक्ट है आपने. मान लीजिए दो ही एलिमेंट है, आपने दो पेयर ले लिए. अब इस 1 2 के साथ 1 3 नहीं लेते हुए 3 1 भी ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. क्लियर है. यानी ये n² - n/2 जो एलिमेंट्स का सेट हैं, ये एग्जैक्टली एक सेट नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं. दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिक नहीं होगा आपका. बाकी अभी तक जितने भी टाइप्स देखे हमने, उन सब में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो रिलेशन बन रहा था वो यूनिक था. बट इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई आपकी, दैट इज दिस n + n² - n/2. सो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, दैट इज n 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन यानी कि एन प्लस एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप एन इंटू एन प्लस 1/2. तो दैट इज द लार्जेस्ट एंटीसिमेट्रिक. Got it? Clear? So that is largest antisymmetric. So n square plus n/2 ये largest हुआ आपका. Now smallest. What is the smallest? Smallest बता सकते हैं आप, बताइए क्या आएगा smallest anti. स्मॉलेस्ट एंटीसिमेट्रिक क्या आएगा? अगेन कंडीशन आपकी इफ ए बी प्रेजेंट एंड बी ए प्रेजेंट देन ए एंड बी इक्वल होने चाहिए. अब अगर आप इफ को ही फॉल्स कर देंगे यानी कि ए बी और बी ए दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, सो उस केस में आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन बन जाएगा यानी कि एम्प्टी रिलेशन, दैट इज फाई. सो फाई इज द स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो एम्प्टी फाई. सो स्मॉलेस्ट एंटीसिमेट्रिक क्या होगा आपका 5 और लार्जेस्ट क्या होगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2. दैट इज द लार्जेस्ट एंटीसिमेट्रिक. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी ऑफ या आपके बोले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक. टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सो देखिए टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला है आपका. सो इन दैट केस अगेन ए सेट ले लिया आपने दैट कंटेन एन एलिमेंट. ठीक है, सो डायगोनल वाइज अगर आप देखेंगे यहां पर सो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 अप टू n and that is 1 2 3 4 up to n. That is 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n n 1 n 2 up to n. टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक. अब देखिए जैसे लार्जेस्ट फाइंड किया आपने वैसे टोटल का लॉजिक देखेंगे आप तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट्स अपने आप में क्या है एंटीसिमेट्रिक है. सो बाय डायगोनल, ठीक है, बाय डायगोनल टोटल एंटीसिमेट्रिक इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n. n सेल्फ पेयर के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 रेज़ टू n बनेंगे. एंड अब बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो देखिए हमें यहां पर पेयर है आपके पास दैट इज 1 2. ठीक है, सिमेट्रिक में हमने क्या बोला कि 1 2 और 2 1 दोनों को साथ में रखना है आपको या फिर दोनों को साथ में नहीं रखना है. सो दो पेयर के लिए एक चॉइस थी आपकी. अब यहां पर अगर नॉन डायगोनल की बात करते हैं फॉर नॉन डायगोनल, अब देखिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी नॉन डायगोनल एंटीसिमेट्रिक या हाउ मेनी नॉन डायगोनल सिमेट्रिक. ठीक है, सो दैट टर्म यू शुड नो. सो फॉर नॉन डायगोनल अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दो पेयर आपने लिखे लाइक 1 2 एंड 2 1. ठीक है, 1 2 एंड 2 1 दो पेयर हैं आपके. सो इन दिस टू पेयर देयर आर 3 चॉइस. या तो 1 2 इंक्लूड कर लें, 1 2 को इंक्लूड किया आपने, या फिर 2 1 को इंक्लूड कर लिया. ठीक है, दिस और दोनों को इंक्लूड नहीं किया, बोथ नॉट इंक्लूड. अरे तीनों केस वैलिड है लेकिन सिमेट्रिक में क्या था आपका दोनों का इंक्लूड होना कंपलसरी है या फिर दोनों का इंक्लूड होना कंपलसरी नहीं है. यानी या तो दोनों इंक्लूड हो या दोनों नहीं हो. बट यहाँ पे 3 चॉइस है क्योंकि एवरी पेयर इज एंटीसिमेट्रिक. दैट्स व्हाई आइदर 1 2 इंक्लूड करे और 2 1 करे और बोथ. सो आइदर इंक्लूड 1 2 और 2 1 और बोथ. सो हर सिमेट्रिक पेयर के लिए 3 चॉइस है. देयर आर 3 चॉइस 3 वे. ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के। सो टोटल कितने पेयर है इस टाइप के नॉन डायगोनल में? अभी हमने लिखा था एन स्क्वायर टोटल है, उसमें से डायगोनल माइनस किए डिवाइड बाय 2, दैट इज फॉर नॉन डायगोनल सिमेट्रिक पेयर एन स्क्वायर माइनस एन। इतने पेयर हैं आपके पास 1 2 2 1 टाइप के, तो इनके लिए 3 चॉइस है, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन 3 रेस टू एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2। ठीक है, 2 चॉइस के लिए 2 रेस टू एन स्क्वायर एन माइनस 1 बाय 2 कह रहा था आपने, 3 चॉइस के लिए आपका ये बन जाएगा। तो दैट इज टोटल बाय नॉन डायगोनल। ठीक है, अब टोटल पॉसिबल सारे कितने होंगे? सो दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल के लिए आप क्या लिखेंगे? टोटल मैक्सिमम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 रेस टू एन इन टू 3 रेस टू एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2। That is the formula for this. Got it? So, diagonal और नॉन डायगोनल दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एंटीसिमेट्री। ठीक है, देखिए फॉर्मूला तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट किस लॉजिक से क्रिएट हुआ है दैट इज मेन। So by diagonal that is 2 रेस टू एन, and by non diagonal that is 3 रेस टू एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2. ठीक है, now asymmetric relation कितने बनेंगे? तो देखिए That asymmetric is opposite of symmetric. अब देखिए एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक तीनों में आपको कंपैरिजन वाइज क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने 2 टाइप पढ़े, दैट इज एंटीसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। तो हमने क्या बोला कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों हो सकता है? सो यस, आपने बोला कि सारे सेल्फ पेयर अगर आप देखें तो उनके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सेल्फ पेयर के कॉम्बिनेशन, वो दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, आपके एंटीसिमेट्रिक की भी और सिमेट्रिक की भी। ठीक है, बट एसिमेट्रिक रिलेशन जस्ट अपोजिट ऑफ द सिमेट्रिक, यानी कि अगर आपने ए बी पेयर इंक्लूड किया है, ठीक है, तो उस केस में बी ए पेयर इंक्लूड 100% नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिक का कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए शुड नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? ए बी है तो बी ए नहीं होगा, दैट इज 100%। सो मान लीजिए आपने एक रिलेशन लिखा आर दैट ऑन सेट ए, ठीक है, सो एक पेयर लिखा 1 2, सो दैट इज एसिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सो दैट इज एसिमेट्रिक। ये एसिमेट्रिक होगा आपका। क्लियर है? एंड अगर आपने लिखा दैट 1 1, तो क्या ये एसिमेट्रिक होगा? सो 1 1 एसिमेट्रिक होगा या नहीं? बताइए, इट इज एसिमेट्रिक और नॉट? नो। यस, बिकॉज देखिए 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स भी 1 1 है, सो दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, अपोजिट डेफिनेटली। अगर ये आपका सिमेट्रिक है तो वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन पॉजिटिव टर्म के लिए करेक्ट होगा। सो इट इज नॉट एसिमेट्रिक, क्योंकि यहां पर आपका 1 1 प्रेजेंट है और उसका रिवर्स भी 1 1 है, दैट बोथ आर एग्जिस्ट, तो दैट इज सिमेट्रिक। तो ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्लियर है? अगर आपने यहां पे लिखा दैट इज 1 2 एंड 1 3, सो दैट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक। क्लियर है? तो देखिए अब हम यहाँ पे जिस भी रिलेशन की कंडीशन देखते हैं, सो इस 1 1 के लिए हमने बोला तो इट इज नॉट एसिमेट्रिक बट सिमेट्रिक होगा ये, एंड एंटीसिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिखा लाइक 1 1 एंड 1 2, तो देखिए 1 1 1 2, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2-1 प्रेजेंट नहीं है, और ये एसिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1-1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रिलेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक, नॉट एसिमेट्रिक, बट इट इज सिमेट्रिक, सॉरी एंटीसिमेट्रिक। ये कौन सा होगा आपका, एंटीसिमेट्रिक होगा। क्लियर है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में 1-1 है, दैट अलाउ, 1-2 है तो 2-1 नहीं होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, सो दैट इज एंटीसिमेट्रिक। तो देखिए अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे, दैट इज एसिमेट्रिक एंड इट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक होगा और एंटीसिमेट्रिक भी होगा आपका। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपका एंटीसिमेट्रिक है बट ए नहीं है, ये एसिमेट्रिक है आपका एंड इट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक, दैट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। इन रिलेशन की बात करें आप तो सिमेट्रिक नहीं है, एंटी एसिमेट्रिक नहीं है बट एंटीसिमेट्रिक होगा। तो देखिए चारों एग्जाम्पल आपने जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दैट ऑल आर एंटीसिमेट्रिक, उसमें से कुछ एसिमेट्रिक है और कुछ नहीं है। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि एवरी सिंगल पेयर, जितने भी सिंगल पेयर होते हैं दैट बाय डिफॉल्ट एंटीसिमेट्रिक, और जितने भी नॉन सिमेट्रिक पेयर है उनके जितने कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, और जितने सेल्फ पेयर के कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। तो जब एसिमेट्रिक की हम बात करते हैं तो सिर्फ सेल्फ पेयर वाले कॉम्बिनेशन आप उसमें अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एसिमेट्रिक रिलेशन है वो सारे एंटीसिमेट्रिक होंगे, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, यानी द व्हाट इज द पॉइंट, एवरी asymmetric is also antisymmetric, but reverse is not true। ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि अगर एंटीसिमेट्रिक है तो वो ए हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मे और मे नॉट वाला केस है, बट आपका जितने भी एसिमेट्रिक है दैट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए इसमें अभी हमने जस्ट इसका थ्योरी पार्ट देखा। ठीक है, अब इसमें भी टोटल कितने होंगे वो देखते हैं हम। इसके पहले आप इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, आपको कोई सेट दे दिया, ठीक है, एक रिलेशन डिजाइन कर दिया किसी के ऊपर, और आपसे पूछा कौन कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दे दिया आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, लाइक अगर आपको बोला है कि, ठीक है देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दैट इज दी आर, ठीक है, आर इज रिलेशन, आर इज रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर i, यानी कि r इज रिलेशन i क्रॉस i एंड इट इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया आपका रिलेशन, डिफाइन एज x इज रिलेटेड टू y, यानी दो एलिमेंट कब रिलेटेड हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन y प्लस 1, x is less than y plus 1. So how many properties are satisfied? जितनी भी अभी हमने देखी है अभी तक की properties, antisymmetric, asymmetric, reflexive, irreflexive, ठीक है, and symmetric. इनमें से कौन कौन सी property यहाँ पे आपकी satisfy होगी, बताइए। क्या reflexive होगा है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कैसे करना है आपको, जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करें यानी कि सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, x रिलेटेड टू y, तो क्या x रिलेटेड टू x हो सकता है, तो कैसे लिखते हैं आप इक्वेशन, x रिलेटेड टू x होना चाहिए, तो कंडीशन क्या है, x इज लेस देन x प्लस 1 होना चाहिए। सो यस इट इज ऑलवेज ट्रू, अरे x में कुछ ऐड करेंगे तो वो x से ग्रेटर ही होगा, यानी कि x, x is always belongs to R। ठीक है, किसी भी दो पेयर की बात कर रहे हैं हम, so that x related to x is always true बिकॉज x लेस देन x प्लस वन कंडीशन हमेशा ट्रू होगी आपकी। सो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा रिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव होगा क्या? The relation is reflexive, so irreflexive होगा। It is irreflexive or not? नहीं होगा सर। Not। Yes। Clear है क्योंकि सारे सेल्फ पेयर जब आप इंक्लूड कर पा रहे हैं उसमें, सो डेफिनेटली जब आप उसको इररिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ पेयर नहीं होने चाहिए, सो इट इज नॉट इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोल रहा है एक्स और वाई रिलेटेड है तो वाई और एक्स भी क्या होने चाहिए रिलेटेड। सो अगर आपने एक इक्वेशन लिखी है x is less than y plus वन तो क्या y is less than x plus वन होगा? अरे इसका मतलब हुआ x related to y, तो इसका मतलब हुआ y related to x। So is it possible कि दोनों इक्वेशन ट्रू हो? No sir, definitely not possible। ठीक है, अगर आपने लिखा है that is, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 2,0, so 2,0 के लिए आप क्या बोलेंगे 2 is less than 0 प्लस 1, सो दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन 0,2 की अगर आप बात करेंगे तो 0 इज लेस देन 2 प्लस 1, दैट इज ट्रू। तो 0,2 तो प्रेजेंट हो सकता है लेकिन 2,0 प्रेजेंट नहीं होगा, दैट्स वाई ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तो देखिए अब आगे की प्रॉपर्टी इन तीनों के थ्रू आप आइडेंटिफाई डायरेक्टली कर सकते हैं। एंटीसिमेट्रिक तो सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो 100% एंटीसिमेट्रिक होगा, दैट इज यस। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव है यानी सारे सेल्फ पेयर की प्रॉपर्टी इंक्लूड कर रहा है। एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है सारे सेल्फ पेयर बाय डिफॉल्ट एंटीसिमेट्रिक होंगे, और अगर 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, तो उसके थ्रू आपने बोल दिया सिमेट्रिक नहीं है तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होगी। गॉट इट? सो एंटीसिमेट्रिक के लिए हम क्या बोलेंगे यस इट इज एंटीसिमेट्रिक। सारे इंडिविजुअल पेयर आपके जो जो इंक्लूड हो रहे हैं वो आप यूज करेंगे। एसिमेट्रिक, सो दैट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका सॉरी एसिमेट्रिक इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है आपका, ठीक है, तो उस केस में आपका एसिमेट्रिक तो 100% नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव सेल्फ पेयर लेगा और एसिमेट्रिक सेल्फ पेयर नहीं लेगा, तो दैट्स वाई एसिमेट्रिक इज नॉट, इसके लिए ट्रू नहीं होगा आपका, दैट इज नॉट ट्रू। गॉट इट? सो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आते हैं, हम और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा। सो एंटीसिमेट्रिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंटीसिमेट्रिक क्या होगा आपका? लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक, सॉरी एंटी एसिमेट्रिक, लार्जेस्ट एसिमेट्रिक एंड स्मॉलेस्ट एसिमेट्रिक। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एसिमेट्रिक? बताइए। सो अगेन लार्जेस्ट एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं सेल्फ पेयर एक भी नहीं आना चाहिए, और नॉन डायगोनल के हाफ एलिमेंट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन डायगोनल के हाफ एलिमेंट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है, यानी कि टोटल n² एलिमेंट है, उसमें से n गए। ठीक है, तो ये कितने बचे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट, और नॉन डायगोनल के हाफ कॉम्बिनेशन में से आप क्या बोल रहे हैं यानी कि दोनों पेयर में से एक पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। सो दोनों में से एक पेयर के कितने होंगे? दैट इज 10 इसके टोटल। सो दैट इज द लार्जेस्ट, n² - n/2 इज द लार्जेस्ट एसिमेट्रिक। गॉट इट? अगेन स्मॉलेस्ट क्या होगा? 5, बिकॉज कोई भी इंक्लूड नहीं करते हम, तो वो आपकी एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। So that is the empty relation is the smallest. Got it? Now total एंटी, अब देखिए टोटल एंटीसिमेट्रिक का फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए, सॉरी टोटल एसिमेट्रिक, टोटल एसिमेट्रिक टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, क्या 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2. यस, देखिए हमने बोला जितने भी एसिमेट्रिक होते हैं आपके, जितने भी एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक है वो सारे क्या है आपके एंटीसिमेट्रिक है. ठीक है, ये पॉइंट लिखा हमने. अब एंटीसिमेट्रिक में हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर डिजाइन किए. ठीक है, एंटीसिमेट्रिक के लिए हमने बोला डायगोनल से आपके 2:n कॉम्बिनेशन आ रहे और नॉन डायगोनल से 3:n स्क्वायर माइनस n कॉम्बिनेशन बन रहे. ये कैसे बना कि इस पेयर के लिए तीन चॉइस है आपकी, तो ये तीनों चॉइस एसिमेट्रिक में भी रहेगी, या तो 1-2 को इंक्लूड करे या 2-1 को, या दोनों को इंक्लूड नहीं करे. यानी कि नॉन डायगोनल से जितने आपके एंटीसिमेट्रिक बन रहे थे, नॉन डायगोनल से उतने ही आपके एसिमेट्रिक भी बनेंगे, बट डायगोनल वाले कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है आपको, बिकॉज एसिमेट्रिक क्या बोलता है सेल्फ पेयर नहीं आने चाहिए. सो वो तो पहले ही माइनस कर दिया आपने, 2:n को रिमूव कर दिया. सो सिर्फ नॉन डायगोनल के जो कॉम्बिनेशन है उतने ही आपके एसिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे. सो दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, यानी कि लॉजिक वही है जो हमने एंटीसिमेट्रिक में अप्लाई किया. सो टोटल एसिमेट्रिक इज 3:n स्क्वायर माइनस n बाय 2. अच्छा, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी रिलेशन दैट इज बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, हाउ मेनी रिलेशन दैट इज बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, क्या आंसर बोलेंगे आप? How many relation that is both symmetric and antisymmetric, sorry asymmetric, how many relation that is both symmetric and asymmetric? ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हैं जो दोनों होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और एसिमेट्रिक भी होंगे? विच इज दिस? सो देखिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों का पॉसिबल है. सिमेट्रिक बोलता है कि सारे सेल्फ पे सिमेट्रिक पेयर होने चाहिए, एसिमेट्रिक बोलता है कि सिमेट्रिक पेयर नहीं होने चाहिए. दैट इज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. सो एक ही रिलेशन बचता है आपका, दैट इज फाई, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, सो एम्प्टी रिलेशन इज दिस. सो आंसर इज 1. कितने रिलेशन होंगे? सो एग्जैक्टली 1 रिलेशन दैट सेटिस्फाई बोथ प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना काफी है. अब ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. सर ये पीडीएफ भेज दीजिए. हाँ, मैं अभी आपको सर को भेजता हूँ, पवन सर को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, एक सेकेंड, एक जना बोलो. हाँ सर, ये आपकी हैंड रिटन में चाहिए सर. हाँ यही भेज रहा हूँ मैं, एज इट इज जो अभी तक करा है ना आपने, इसको सेव करके भेज रहा हूँ आपको. पीडीएफ या एज इट इज पीपीटी भेज दूंगा मैं. ठीक है, तो आप उसको जैसे भी कन्वर्ट करना है कर लेना. गॉट इट? ठीक, थैंक यू. ओके. ओके, किसी को कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क, बाकी यू कैन लेफ्ट. ओके, बाय बाय, गुड डे.